करिए। स्टार्ट। तो फिर तो कम उधर होगा, ठीक है। जनरल ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन, अच्छा ठीक। ठीक है, आज हम लोग का भारत का भूगोल के अंतर्गत जो है भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो टॉपिक होता है भारत के भूगोल के अंतर्गत यही है, तो इसको हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन में भारत का मानचित्र दिखाई पड़ रहा है, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि भारत का क्या क्या नाम है, इसे उपमहाद्वीप के अंतर्गत जाना जाता था, तो कौन कौन सा क्षेत्र है जिसके कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती थी, इसके अलावे क्या क्षेत्रफल है, इसका एक्सटेंड कितना है, ठीक है, और इसकी जो कुछ विशेषता है, इसकी जो चारों ओर का जो क्षेत्र है या पड़ोसी देश है, ठीक है, विश्व में कितना नंबर पे ये आता है, तो ये सब हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे, भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, जनरल जियोग्राफिकल, जनरल जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जब भी कभी किसी से सामना होता है, ठीक है, जब भी किसी से सामना होता है तो सबसे पहले नाम की बात की जाती है, ठीक है। तो आपको पता है कि पूरे विश्व में एक ऐसा स्थान था जहां पे सिंधु नदी बहती थी, ठीक है, सिंधु नदी बहती थी और वहां पे जो सभ्यता का विकास हुआ है, अब साउंड आ रहा है। यूके गुप्ता बोले पहले कमेंट देखना चाहिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। चलिए अब शायद लगता है ठीक ठाक है, साउंड आ रहा है सबको। चलिए तो सबसे पहला आपको पता है कि भारत विश्व में एक ऐसा स्थान था जहां पे सिंधु नदी बहती थी और वहां पर जो सभ्यता का विकास हुआ था उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता मानते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है वो नदी घाटियों में ही हुआ है, तो नदी घाटियों को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो याद रखिएगा सिंधु नदी, ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में ही हुआ है, नदियों की घाटियों में हुआ है। यही कारण है कि नदी घाटियों को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन इसे कहा जाता है, ठीक है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन नदी घाटी को कहा जाता है। आगे बात करें कि इसका जो नाम है, ये जो सिंधु नदी है,
यहाँ पे आर्य लोग निवास करते थे, ठीक है। जब आप लोग वैदिक सभ्यता पढ़े होंगे तो वहां पे आर्य का नाम होगा, तो चूंकि यहाँ पे आर्य लोग निवास करते थे इसीलिए इसको आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिंधु नदी के नाम पर ही इसका इस देश का नाम पड़ा है, चूंकि वैदिक आर्यों का निवास स्थल था सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है सिंधु घाटी का क्षेत्र, सिंधु घाटी का क्षेत्र जिसमें वैदिक आर्य लोग निवास करते थे तो इसके कारण इसको क्या कहा गया, आर्यावर्त कहा गया, ठीक है, आर्यावर्त कहा गया। तो पहला नाम इसका आर्यावर्त, याद रखिएगा सबसे पहला नाम इसका क्या है, आर्यावर्त है। आगे बात करें उत्तर भारत में पांच जन का समूह था, ठीक है, पांच जन का समूह था जिसमें एक सबसे शक्तिशाली जन, ठीक है, जिनका नाम था भरत। तो भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा है, ठीक है, तो भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा है। तो आर्य के लोग निवास करते थे इसमें, पांच जनों में से सबसे शक्तिशाली जो थे उनका नाम था भरत, है ना, राजा भरत, और इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष पड़ा है। तो लिख सकते हैं भरत के नाम पर, जन का मतलब ट्राइब होता है, ठीक है, तो भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो याद रखिएगा राजा भरत के नाम पर इसका जो है नाम भारतवर्ष पड़ा है। इसके अलावे वायु पुराण की बात करें, ठीक है, इसमें भी दुष्यंत के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है, इसके अंतर्गत मिलता है। तो भरत शब्द का उल्लेख सबसे पहले जो है पुराणों में ही मिलता है, ठीक है। भारत शब्द का यदि बात करें तो सबसे पहले पुराण में मिलता है। तो याद रखिएगा आपसे सवाल पूछा जा सकता है, भारत शब्द का वर्णन सबसे पहले पुराण में मिलता है, कहां पे मिलता है, तो पुराण में आपको सबसे पहले भारत शब्द मिलता है। इसके अलावा आगे बात करें तो बौद्ध काल के समय में इस क्षेत्र को जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा बौद्ध काल में गौतम बुद्ध का नाम आप लोग जानते होंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो बौद्ध काल में इसे जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था, जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा जम्मू द्वीप, ठीक है, कब बोला गया, तो बौद्ध काल में इसका नाम जम्मू द्वीप रखा गया था, ठीक है। इसके अलावे भारत का पर्यायवाची इंग्लिश में इसको इंडिया शब्द दिया गया, ठीक है, यूनानी शब्द इंडस इंडोई से हुई है, तो इंडिया जो शब्द है यूनानी शब्द इंडोई से हुई है, ठीक है, तो यूनानी लोग के द्वारा इंडिया शब्द दिया गया है, इंडोई नाम याद रखिएगा, ठीक है, तो यूनानी लोगों के द्वारा इंडिया कहा गया। तो यूनानी लोग हैं और जो इंडिया शब्द है, ये जो इंडिया शब्द यूनानी शब्द
यूनानी शब्द इंडोई से बना है। इंडोई, इंडोई से लिया गया है। तो कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो इंडिया शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो इंडिया शब्द जो है यूनानों के, यूनानी के द्वारा दिया गया था, और ये जो इंडिया शब्द है इंडोई से लिया गया, यूनानी शब्द इंडोई है, इंडोई से लिया गया है। रोमवासी सिंधु नदी को इंडस इंडस कहते थे और इंडिया लास्ट में अपभ्रंश रूप हो गया, ठीक है। रोमवासी जो है बाद में इंडस इंडस कहते थे, तो इसका नाम इंडिया पड़ा है। इसके अलावे ईरानियों के द्वारा, ठीक है, ईरानियों के द्वारा हिंदू हिंदू बोलते बोलते हिंदुस्तान बना के, हिंदू हिंदू बोलते बोलते हिंदुस्तान बना के चला गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू, क्योंकि उनमें यश नहीं होता था, तो यच करके सिंधु नदी को हिंदू हिंदू कहते कहते हिंदुस्तान बना के चले गए। तो हिंदुस्तान नाम जो है किसके द्वारा, तो रोम ईरानियों के द्वारा दिया गया था, ठीक है। रोमवासी सिंधु नदी को इंडस बोलते थे, ठीक है, और इसको इंडिया कहा गया। तो याद रखिएगा, रोमवासी और यूनानियों के द्वारा क्या है, इंडिया शब्द दिया गया है, ठीक है। तो एग्जैक्ट रूप यदि आपसे पूछा जाए कि इंडिया शब्द किसके द्वारा, तो रोमवासियों के लिए, ठीक है, रोमवासियों के द्वारा इसको इंडिया दिया गया है। आगे हम लोग बात करें तो ईरानियों के द्वारा, ईरान से जो लोग आए थे सिंधु नदी को हिंदू हिंदू के नाम से जानते थे, ठीक है, और बाद में इसका नाम जो है हिंदुस्तान पड़ा। तो याद रखिएगा, ईरानियों के द्वारा, रोमवासियों के द्वारा, ठीक है, रोमवासियों के द्वारा, रोमवासियों के द्वारा इंडिया शब्द दिया गया। इसके अलावा ईरानियों के द्वारा इंडस नदी यानी सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से जाना जाता था, हिंदू नदी के नाम से जाना जाता था। तथा यहाँ के निवासी हिंदुस्तानी, और ये जो क्षेत्र है उसे हिंदुस्तान बताया गया। तो याद रखिएगा, नाम आप लोग पढ़े भी होंगे, जम्मू दीपे आर्यावर्ते भारत खंडे हिंदुस्तान इंडिया, ये सब भारत का नाम है, ठीक है। तो भारत का नाम की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है आर्यावर्त, उसके बाद जम्मू दीप, उसके बाद भारतवर्ष, ठीक है, उसके बाद इंडिया, उसके बाद हिंदुस्तान, और भारत का संविधान जो है आर्टिकल 1 यह बात करता है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो आर्टिकल 1 जो है नाम का बात करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हिस्ट्री का भी कुछ बात किए, उसके बाद ज्योग्राफिकल भी बात करेंगे, और थोड़ा सा पॉलिटी का बात किए हैं कि इंडिया संविधान, भारत का संविधान, एक विधान एक संविधान एक देश भारत, ठीक है, पहले गुलाम था, बाद में जब से स्वतंत्र हुआ है इसका नाम भारत रखा गया, तो संविधान में इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट ये कहा गया, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, इसके अलावे देखें, प्राचीन काल से ही भारत या इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है, ठीक है। प्राचीन शब्द के लिए एक जो सुव्यवस्थित भौगोलिक क्षेत्र जो है भारत का, उसके लिए इंडिया शब्द, भारत शब्द यूज किया गया। जब आप मौर्य काल को पढ़ेंगे या मौर्य काल के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो चाणक्य के द्वारा, ठीक है, विष्णुगुप्त का नाम सुने होंगे,
और शास्त्र के की रचना की गई थी कौटिल्य चाणक्य के द्वारा, तो मौर्य काल में भी आप देखेगा कि अखंड भारत की बात की जाती है, ठीक है, अखंड भारत, पूरे प्रायद्वीप की भारत, प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाती है। तो याद रखेगा अखंड भारत का वर्णन वहां पे मौर्य काल में मिलता है। और हमारा जो अध्ययन का स्रोत है या ज्ञान का स्रोत है क्या, साहित्यिक स्रोत, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। आगे हम लोग बात करें कि यह जो क्षेत्र था, ठीक है, यह जो क्षेत्र था उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ था, दक्षिण में इसका हिंद महासागर था, ठीक है, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में यदि बात करें तो अरब सागर, और एक साइड इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान था। तो याद रखें चौहद्दी की जहां तक बात करें, बचपन में दादाजी लोग चौहद्दी वगैरह बताते थे, तो उसी प्रकार से यहां पे देखे भारत का जो भूखंड है वो चारों तरफ से किन किन क्षेत्रों से घिरा हुआ था, क्या जो इसका जो भौगोलिक बाउंड्री है उसकी चर्चा कर लेते हैं, बाकी आगे जो होगा वो देखेंगे। तो देखिए यदि भारत की बात करते हैं तो उत्तर में क्या है, उत्तर में हिमालय पर्वत, और आप लोग पढ़े भी होंगे कि हिमालय क्या है, पहरेदारी का काम करता था, हिमालय जो है पहरेदारी का काम करता था। तो युगो युगो से अपने पथ पर देखो कैसा खड़ा हिमालय, ये बात करते हैं, ठीक है, तो पहरेदारी का काम कर रहा है। लेकिन अभी के युग में उसकी जो बात करें उसका महत्व विशेष रूप से सैन्य दृष्टिकोण से, ठीक है, कम हुआ, क्योंकि अभी तो आ गया है बहुत सारा मिसाइल या फिर फाइटर जेट, ठीक है, उतना ऊंचाई तक उड़ सकता है। लेकिन पहले जो है ये जो थल सेना थी वो ज्यादा शक्ति, वही राज्य ज्यादा शक्तिशाली होता था जिसका थल सेना, ठीक है, ज्यादा मजबूत हो। अभी भी आप जब देखिएगा कि जो वायु सेना आपको आपका जो युद्ध है उसको ट्रिगल कर सकती, लेकिन युद्ध जिताने का काम कौन करेगा, जब भी करता है तो थल सेना या तो जल सेना, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभावी जो है जल सेना को माना जाता है। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा बड़ा प्लेन, बहुत बड़ा बड़ा आपका जहाज है, उसको ले जाके रख दिए, उस पर हवाई जहाज भी है और थल सेना भी है सब कुछ। तो रशिया का जो हार हुआ था, याद रखेगा भू जियो स्ट्रेटजी के अंतर्गत बोलते हैं, रशिया का जो हार हुआ था, यूएसएसआर का विखंडन हुआ था, रशिया का जो द्वितीय विश्व युद्ध में या फिर यूएसएसआर और यूएसए था उस समय जो हार हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, यही कारण था, ठीक है, बेचारा ऊपर वाला जो क्षेत्र था वो बर्फ से ढक गया था और उसका जो यान था, जलपोत था, वो नहीं पहुंच पाया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इसका भू राजनैतिक महत्व भी होता है। तो यदि बात करें तो उत्तर में हिमालय पर्वतमाला से घिरा हुआ है, नीचे में इसका हिंद महासागर है, ठीक है, इसके अलावा पूरब में बंगाल की खाड़ी और इस साइड में पश्चिम में देखें तो अरब सागर है, क्योंकि भारत का जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है, भारत का प्रायद्वीप की यदि बात करें, आप लोग कई बार सुने होंगे भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप क्या होता है बोला जाता है वैसा भूमि का भाग, प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रायद्वीप क्या होता है तो वैसा भूमि का भाग, वैसा भूमि का भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तीन ओर से जल से घिरा हो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, पेनिनसुला। तो भारत की बात करें ये देखिए इस प्रकार से आप देखते होंगे, आगे जरूरत नहीं, ये यहां पे देखिए इधर हिंद महासागर, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर आपका अरब सागर, इधर आपका अरब सागर, तो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है तो प्रायद्वीप कहा जाता है, भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप आप लोग सुने होंगे, भारतीय प्रायद्वीप, तो कोई भी वैसा क्षेत्र जो तीन ओर से घिरा हुआ होता है प्रायद्वीप कहलाता है, तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम भी इसे दिया गया है। तो उत्तर में हिमालय, नीचे में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उसके बाद इस वाले क्षेत्र की जहां तक बात करें, इधर वाला जो क्षेत्र है यहां पे
पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इधर आपका अफगानिस्तान, ये इधर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और जितना भी आक्रमणकारी भारत में आया है दर्रा के माध्यम से आया है, पास की बात करते हैं तो दो पर्वतों के बीच का जो रास्ता होता है उसे पास कहा जाता है, ठीक है। कई सारे पास का नाम आप लोग सुने होंगे, जैसे रोहतांग पास, नाथुला, ठीक है, खैबर, ये सब, थांगला, लिपू लेक, नीति, ये सब दर्रा का नाम सुने होंगे, तो दर्रा भी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन फिलहाल तो अभी इंट्रोडक्शन वाला, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन है, उसको देख लेते हैं, बाकी उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग बात करें कि भौगोलिक विस्तार के अलावे, ये जो भौगोलिक विस्तार है इसके अलावे भी बात करें तो ये चारों ओर से कुछ क्षेत्रों से घिरा हुआ था, कुछ देश से घिरा हुआ था। तो इसमें यदि बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल एवं भूटान, इसके चारों ओर से घिरे, ये चारों ओर से घिरा हुआ था, तो ये इसके पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश की बात करें कौन कौन सा आ जाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, ये सभी एक साथ इसका विस्तार देखने को मिलता था अखंड भारत में, तो उसे इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारत को क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है उपमहाद्वीप क्यों, इतना विशाल साम्राज्य इसका, इतना विस्तृत भाग है, तो इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो उपमहाद्वीप की जहां तक बात करें तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, इसके अलावा म्यांमार, भूटान, नेपाल, ये सभी को सम्मिलित रूप से कहा जाता था। इसके अलावे बात करें, इसके अलावे प्राचीन काल में नीचे आपका श्रीलंका, नीचे में श्रीलंका था, इसके अलावे वहीं पे मालदीव था, ठीक है। तो श्रीलंका और मालदीव को आज जो है क्या कहते हैं, तो दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यह जो समस्त भूभाग है इसको क्या है, दक्षिण एशिया के नाम से जानते हैं, जो ये सब सब क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा आपका ओवरव्यू होना चाहिए, तो आप देखें कि किस प्रकार से ये चारों तरफ से घिरा हुआ था, इसे किस प्रकार से अखंड भारत की बात की जाती थी। अब थोड़ा सा जियोग्राफिकल लोकेशन की जहां तक बात करें, ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें, तो इसकी आकृति की बात करते हैं, ठीक है, जब लोकेशन की बात करें तो इसकी आकृति की बात करते हैं, तो याद रखिएगा इसकी आकृति क्या है, चतुष्कोणीय है। आकृति की बात करें, भारत की आकृति कैसी है, आकृति से सवाल रहता है, चतुष्कोणीय, इसकी आकृति है चतुष्कोणीय, ठीक है, इसकी आकृति चतुष्कोणीय है, और यह दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। क्या है, दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है, दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है, दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। अब देखिए, यदि लोकेशन की बात करें, ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें, तो दो प्रकार के तत्व की बात की जाती है। जब भी भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, जब भी भौगोलिक स्थिति, ठीक है, जब भी भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो दो प्रकार के बात तत्वों की बात की जाती है। सबसे पहला तो अक्षांश, सबसे पहला अक्षांश, ठीक है, और दूसरा है आपका देशांतर, देशांतर। तो चलिए हम अक्षांश और देशांतर को भी बताते हैं, देखिएगा, यहां पे समझिएगा, ये जो मानचित्र आपको दिख रहा है, ये जो मानचित्र आपको दिख रहा है, देखिए ये भारत का मानचित्र है, इसमें दो लाइन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है, एक तो ये वर्टिकल लाइन और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो वर्टिकल लाइन होता है इसे अक्षांश कहा जाए, ये जो वर्टिकल लाइन है उसे देशांतर कहते हैं, देशांतर, लॉन्गिट्यूड। तो किसी भी मैप में लंबी लंबी जो रेखाएं होगी वो देशांतर होगी, लॉन्गिट्यूड्स होगी। उसके अलावा पड़ी हुई हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगा,
ठीक है, उसे अक्षांश कहते हैं। तो ये है आपका अक्षांश, ये रहा आपका अक्षांश। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो मानचित्र पे होता है उसे अक्षांश कहते हैं सामान्य तौर पर। ठीक है, टेक्निकल जाएंगे, यदि तकनीकी रूप से बात करेंगे तो उसको भी आपको बता देते हैं। तो एक तो आपका क्षैतिज रेखाएं होगी उसे अक्षांश कहते हैं, जो लंबवत रेखाएं होगी उसे देशांतर कहते हैं। अब पूरे पृथ्वी की यदि बात करें तो टेक्निकल बोला जाता है कि विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण खींची गई जो कोणीय दूरी है उसे अक्षांश कहते हैं। ठीक है, टेक्निकल टर्म की बात करें तो विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। इसे अंशों में मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है। और सबसे बड़ा जो ये सभी अक्षांश रेखाएं क्या है, वृत्त के रूप में होती है। तो सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है, सभी अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है, रेखाएं वृत्ताकार होती है, ये याद रखिएगा। सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार है और विषुवत रेखा वैसी, ये सब क्या है, काल्पनिक रेखा है। और विषुवत रेखा वैसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये रहा आपका विषुवत रेखा, विषुवत रेखा वैसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहां से जो भी एंगल बनेगा उसे अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो अक्षांश क्या है, कोणीय दूरी। अक्षांश क्या है, तो कोणीय दूरी याद रखिएगा, कोणीय दूरी है। तो ये जो विषुवत रेखा सबसे बड़ा वृत्त है इसका मान होता है जीरो डिग्री। विषुवत रेखा का मान जीरो डिग्री। और विषुवत रेखा क्या करता है, एक गोला को दो भागों में विभाजित करते हैं। तो गोला का आधा गोलार्ध, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांश की यदि बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अक्षांशीय दृष्टि की बात करें, अक्षांश की बात करें, या अक्षांशीय दृष्टिकोण से बात करें, अक्षांशीय दृष्टिकोण, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कहां है, उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध को दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम लोग कहीं भी डिग्री लिखते हैं तो एन शब्द लिखा हुआ है, एन लिखा है, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध। अब देशांतर की बात करें, ये वाला लाइन, तो ये तो अक्षांश हो गया, ये वाला देखिए लाइन जो हो गया वो अक्षांश हो गया, तो इससे ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध, ये अक्षांश है। और भारत कहां है, उत्तरी गोलार्ध में है, याद रखिएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में। अब देशांतर की बात करें, ठीक है, ये वाला देशांतर। अब देशांतर की यदि बात करें तो यहां पे देखिए ये जो लाइन है इसको देशांतर कहा जाता है। तो देशांतर बोला जाता है सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। जो देशांतर रेखाएं होती है वो अर्धवृत्ताकार होती है, और वैसी देशांतर रेखा जो लंदन से होकर गुजर रही है, ठीक है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन से होकर गुजर रही है, उसे प्रधान मध्यान रेखा कहा जाता है। ठीक है, उसे प्रधान मध्यान रेखा कहते हैं। तो कौन सी देशांतर रेखा प्रधान मध्यान रेखा कहलाएगी, तो वैसी देशांतर रेखा जो ग्रीनविच लंदन से होकर गुजर रही है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजर रही है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रधान मध्यान रेखा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रधान मध्यान रेखा, इसको जीरो डिग्री माना गया है। अब देशांतर को ही मध्यान कहा जाता है, कंफ्यूज मत करिएगा। सभी देशांतर रेखा पृथ्वी को क्या करती है, आधे भाग में विभाजित करती है, बराबर भागों में विभाजित करती है, और इसका जो साइज है, इसका जो आकार है, लगभग बराबर होता है। तो गिनती की समस्या आई 1884 ईस्वी में, यह जो है सम्मेलन चल रहा था अक्षांश एवं देशांतर के निर्धारण करने का वाशिंगटन डीसी में। तो उसी समय यह तय किया गया कि वैसी देशांतर रेखा, वैसी मध्यान रेखा जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरेगी उसे प्रधान मध्यान रेखा माना जाएगा। तो प्रधान मध्यान रेखा जीरो डिग्री। ठीक है, तो जो प्रधान मध्यान रेखा है ये याद रखिएगा, जीरो डिग्री को क्या कहते हैं, प्रधान मध्यान रेखा,
प्रधान मध्यान रेखा, प्रधान मध्यान रेखा कहां से गुजर रही है? तो लंदन से, लंदन याद रखिएगा, ठीक है, जीएमटी इसी को बोलते हैं, ठीक है, लंदन से होकर गुजर रही है। तो प्रधान मध्यान रेखा जो है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ये जो पूरब वाला भाग है, ठीक है, पूरब वाला भाग उसे पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए पूर्वी गोलार्ध इधर हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, और पूर्वी गोलार्ध को इंडिकेट करने के लिए ईस्ट शब्द यूज किया जाता है, और जो पश्चिम वाला भाग है इसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। देखिए पश्चिमी गोलार्ध, ये रहा आपका पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध को दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डब्लू शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, तो भारत की यदि बात करें देशांतर के रूप में, तो देशांतर के रूप में भारत पूर्वी गोलार्ध में है, याद रखिएगा भारत कहां है? पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति की यदि बात करें तो अक्षांश के दृष्टिकोण से, अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि देशांतर के दृष्टिकोण से यह पूर्वी गोलार्ध में है। तो पूरा यदि इस डायग्राम को देखिएगा और भारत की स्थिति की यदि बात करें तो ये रहा नॉर्दर्न और ये रहा ईस्ट। ठीक है, यानी नॉर्थ और ईस्ट, यहीं पे है आपका इंडिया। तो इंडिया का स्थिति की बात करें तो कहां पे है? उत्तर पूरब। ठीक है, स्थिति की बात करें तो उत्तर पूरब, ये याद रखिएगा। इसीलिए जब आप देखते होंगे मानचित्र को तो नॉर्थ शब्द भी यूज किया हो जाता होगा और साउथ शब्द भी यूज किया जाता होगा। ठीक है, तो 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक आप देखे होंगे, 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री, अभी इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, मानचित्र से आपको बता देते हैं। ठीक है, मानचित्र से आपको बताते हैं। ये देखिए, अक्षांश की यदि बात करें, ठीक है, अक्षांश की बात करें तो इसका शुरुआत होता 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से इसकी शुरुआत होती है। ये अक्षांशीय विस्तार की बात करें 8 डिग्री 4 मिनट से, देखिए 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये रहा आपका 37 डिग्री 6 मिनट। तो एक ये और एक ये लाइन देखिए, तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इसका अक्षांशीय विस्तार है। ये अक्षांशीय विस्तार, अब देशांतरीय विस्तार, ये वाला, ये देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री
68° 7' ईस्ट से लेकर के 97° 25' ईस्ट की बात करते हैं। देखिए जो अक्षांश है वो डिग्री में मापा जाता है, अक्षांश जो है वो डिग्री में मापा जाता है, अक्षांश डिग्री में मापा जाता है, मापा जाता है। एक डिग्री को 60 मिनट, ठीक है, ये वाला जो इंडिकेशन है वो मिनट का है, तो 60 मिनट, और एक मिनट को, एक मिनट की बात करते हैं, ये रहेगा आपका मिनट, एक मिनट को 60 बराबर सेकेंड में, ठीक है, ये जो 2 होगा तो इसका मतलब सेकेंड होगा, तो आप देखेगा 8° 4' 37° ठीक है, 8° 4' 37° 6' रहेगा। इसके अलावा नॉर्थ होगा ये, इसके अलावा 68° 7' ईस्ट से लेकर के 97° 25' ईस्ट होगा, तो ये आपका इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि अक्षांश एवं देशांतर का अंतर कितना है, तो अक्षांश एवं देशांतर का अंतर, अक्षांश एवं देशांतर का अंतर लगभग 30° है, लगभग क्या है 30°, तो अक्षांश एवं देशांतर के मध्य का अंतर लगभग 30°, आप इसको कर सकते हैं। देखिए 97 में 8 करिएगा, ठीक है, 97 में तो 29 आ रहा है, और लगभग हम आपको बताए 29 और मिनट भी स्क्वायर्ड होगा, तो 9, 8, 17, एक आपको याद रहेगा, दूसरा याद कर सकते हैं, ठीक है, तो लगभग 30° का अंतर है, 29 आपको आ रहा है और कुछ लेकर के लगभग हम लोग 30 बोलते हैं। आगे यहां पे देशांतर की बात करें, देखिए 68° 97, इसको भी यदि आप माइनस करिएगा तो यहां पे भी 29 ही आएगा, ठीक है, तो लगभग अक्षांश एवं देशांतर के बीच का अंतर क्या होगा 30°, अक्षांश एवं देशांतर का अंतर कितना होगा तो 30° होगा, ये आप याद रखिएगा, यहां से सवाल कई बार आ जाता है। इसके अलावे आगे बात करते हैं तो आपका लंबाई और चौड़ाई से सवाल रहता है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई की बात करें, ये वाला देशांतर वाला लॉन्गिट्यूड आपको बताए, इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 3214 किलोमीटर, लंबाई इसका है 3214 किलोमीटर, तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर इसका लंबाई है, किधर से किधर, तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ, इसका जो लंबाई है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसका लंबाई 3214 किलोमीटर। इसके अलावे पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर, तो ये देखिए ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो वेस्ट से ईस्ट इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है, तो 2933 किलोमीटर है, और दोनों के बीच का जो अंतर है 281 किलोमीटर है, याद रखिएगा दोनों के बीच का अंतर लगभग 281 किलोमीटर है, तो अंतर लिखिएगा, अंतर कितना है दोनों के बीच 281 किलोमीटर है, 281 किलोमीटर इसके बीच का अंतर है। इसके अलावा याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा कि इसकी जलवायु कैसी है, ठीक है, तो जलवायु की बात करें, भारत की जो जलवायु है, जलवायु तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट बोला जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब बात करें कि यदि अक्षांश एवं अक्षांशीय दृष्टिकोण से, अक्षांश का उपयोग जो है लैटिट्यूड के निर्धारण के लिए, अक्षांश के निर्धारण के लिए किया जाता है, तो यदि बात करें अक्षांशीय दृष्टिकोण से, तो हम लोग इसको दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। दो वर्गों में विभाजित किस प्रकार से करेंगे,
तो यदि आपको थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है, तो पूरे ग्लोब में सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के जो सूर्य का जो प्रकाश है उसमें भिन्नता के कारण, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में भिन्नता के कारण तीन प्रकार का जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आ रही है सबसे सीधी कहां पे पड़ती है, 0 डिग्री पे, इक्वेटर पे। तो जहां पे सीधी पड़ेगी तापमान ज्यादा होगा, लेकिन कर्क रेखा 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं, नॉर्थ को क्या कहते हैं, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ, देखिए यहां पे भी आपको पता चलेगा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो उत्तर दक्षिण से देख रहे हैं बदल रहा है। अब विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है, ये देखिए आपका विषुवत या भूमध्य, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है जिसके कारण तापमान ज्यादा होगा, लेकिन कर्क रेखा एवं मकर रेखा पे कम से कम एक बार सीधी जरूर पड़ती है। तो विषुवत रेखा पे कब पड़ती है सीधी, याद रखिएगा 21 मार्च को और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसे विषुव के नाम से जाना जाता है, और इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट होता है, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट होता है। लेकिन देखिए मार्च में इक्वेटर पे है, उसके बाद पुनः नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर सूर्य की अवस्थिति होती है, ठीक है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, यही बड़ा दिन है, 21 जून को बड़ा दिन बोलते हैं। और जब सूर्य उत्तर की ओर गया, गर्मी चला गया, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसी को समर सोल्स्टिस कहते हैं, इसी को समर सोल्स्टिस कहा जाता है, ठीक है, इसको ग्रीष्म अयनांत, इसी को ग्रीष्म अयनांत या ग्रीष्म या कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं, कर्क संक्रांति इसी को कहते हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कर्क रेखा पे, कर्क संक्रांति, याद रखिएगा, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में, तो तापमान उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी, तो इसे समर सोल्स्टिस कहते हैं। लेकिन पुनः देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को पुनः इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पे, और सितंबर के बाद पुनः साउथ की ओर होना शुरू करेगा। तो जैसे ही साउथ की ओर होगा, उत्तरी गोलार्ध में ठंड बढ़ना शुरू होगा। तो देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य कहां पे, मकर रेखा पे सीधा पड़ेगा, 22 दिसंबर को मकर रेखा पे। तो जब मकर रेखा पे सूर्य चला गया यानी दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ठंडा होगा। देखिए ग्रीष्म ऋतु में ये जो दिसंबर है, इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है, क्योंकि सूर्य की अवस्थिति कहां पे है, दक्षिण चला गया। तो याद रखेगा 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, इसीलिए इसको विंटर सोल्स्टिस कहते हैं, विंटर सोल्स्टिस, या तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को शीत अयनांत, शीत अयनांत, या तो इसी को मकर संक्रांति कहते हैं, इसी को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा एक समय कम से कम जरूर कर्क रेखा और मकर रेखा पे सीधा पड़ता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ज्यादा गर्म होगा, और ज्यादा गर्म होने के कारण इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक है। अब देखिए भारत का अवस्थिति का बात करें तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, यानी देखिए 23.5 तक ही क्या है उष्ण है, बाकी उसके ऊपर क्या है ये देखिए, इसके बाद का क्षेत्र कितना, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया आर्कटिक, और इधर हो गया 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। यहां पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसके कारण क्या होगा, यहां पे इसकी अपेक्षा कम तापमान मिलता है, तो इसको शीतोष्ण बोलते हैं, टेम्परेट शीतोष्ण कटिबंध, दोनों तरफ होगा शीतोष्ण कटिबंध, इधर भी देखिए शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो अक्षांश की जहां तक बात करें, भारत कहां तक आएगा, यहां तक आ सकता है 37 डिग्री तक, तो भारत उष्ण में भी पड़ेगा, इधर भी पड़ेगा भारत, उष्ण में भी भारत और शीतोष्ण में भी भारत। देखिए अवस्थिति में शीतोष्ण
कटिबंध में भी भारत पड़ेगा, शीतोष्ण कटिबंध में भी भारत। तो यदि अक्षांश की बात करें तो दो जलवायु की बात की जाती है, एक तो उष्णकटिबंध और दूसरा शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन चूंकि हिमालय की अवस्थिति है और चारों ओर से जल से घिरा हुआ, इसके कारण एक स्पेशल प्रकार का विशेष प्रकार की जलवायु होती है, उसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आधिकारिक रूप से सामान्य तौर पे इसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु माना जाता है, लेकिन अक्षांश की जहां तक बात करेंगे तो यह दोनों में पड़ता है, उष्णकटिबंध में भी पड़ता है और शीतोष्ण कटिबंध में भी पड़ता है। आगे देखें, तीसरा जो कटिबंध है, तीसरी जो जलवायु है, इसके कारण अभी आगे जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव हो गया और 90 डिग्री साउथ या क्या हो दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और यह उत्तरी ध्रुव हो गया। यहां पे तो और कम तापमान मिलेगा, तो यह शीत कटिबंध, ये शीत कटिबंध हो गया, ध्रुवीय क्षेत्र हो गया। इधर भी ये देखिए शीत कटिबंध। तो याद रखिएगा, सूर्य का जो प्रकाश पड़ रहा है पृथ्वी पर, अलग अलग स्थान अलग अलग मात्रा में इसको प्राप्त करता है, इसमें प्राप्त सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति में भिन्नता है, इसके कारण तीन कटिबंध का निर्धारण किया गया है। कौन कौन सा? तो जहां पे सीधा पड़ता है उष्ण कटिबंध, थोड़ा सा तिरछा शीतोष्ण कटिबंध, और ज्यादा तिरछा पड़ा तो उष्मा कम मिलेगा, तो याद रखिएगा वहां पे और कम होगा तो शीत कटिबंध। तो तीन प्रकार का कटिबंध हो गया, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो भारत जो है दो कटिबंध के अंतर्गत, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। अब जलवायु की बात करें तो आपको बताए ना, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, तो यहां से जलवायु आपको पता चलेगा। आगे हम लोग बढ़े, आगे चले। इसके अलावा याद रखिएगा कुल क्षेत्रफल, अब भारत का कुल क्षेत्रफल की जहां तक बात करें, ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, आधिकारिक तौर पे यही एरिया है हम लोग का, ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है भारत का। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावे संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत, संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत, तो 2.42%। देखिए संपूर्ण विश्व का भारत जो है 2.42% है। अब झारखंड की बात करें, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% ये भी है, झारखंड भी है, तो याद रखिएगा झारखंड भी 2.42%। आगे बात करें ग्लोब का, संपूर्ण ग्लोब का कितना प्रतिशत है भारत, तो संपूर्ण ग्लोब का भारत 0.5%, संपूर्ण ग्लोब का 0.5% है भारत, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावे क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश झारखंड, भारत की यदि बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, के दृष्टिकोण से विश्व का सातवां सबसे बड़ा, सातवां सबसे बड़ा देश, सातवां सबसे बड़ा देश है। तो छह इससे बड़ा कौन कौन सा है, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा रूस, सबसे बड़ा रूस है, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा रूस, दूसरा है आपका कनाडा, तीसरा बड़ा चाइना, चौथा बड़ा अमेरिका, चौथा अमेरिका, पांचवा बड़ा ब्राजील
और छठा बड़ा ऑस्ट्रेलिया, छठा बड़ा ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा, भारत विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सातवां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चीन, ठीक है, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां तो भारत खुद है। लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान दूसरा, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सातवां। इसके अलावे आप याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश चाइना, सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टिकोण से चाइना है। अब भारत का क्षेत्रफल की यदि बात करें तो लगभग यूरोप के बराबर है, रूस को छोड़कर। तो भारत का क्षेत्रफल रूस के बराबर, भारत का क्षेत्रफल रूस को छोड़कर यूरोप के बराबर है। भारत का क्षेत्रफल रूस को छोड़कर यूरोप के बराबर है। याद रखिएगा, ये यूरोप के बराबर है भारत का क्षेत्रफल। आगे हम लोग बात करें कि यह कनाडा का एक तिहाई है। यदि कनाडा की बात करें, यह कनाडा जो है उसका एक तिहाई, तो लिख लीजिएगा कनाडा का एक तिहाई है। कनाडा का एक तिहाई क्षेत्रफल भारत। इसके अलावे बात करें रूस का पांच बोल सकते हैं, ठीक है, 1/5, 1/3 तो कनाडा का, 1/5 रूस का, तो रूस का पांचवा भाग। देख रहे हैं। इसके अलावे और बात करें जापान का 8 गुना, तो 5 गुना है, ठीक है, रूस का 5, मतलब भारत से रूस जो है 5 गुना बड़ा है। इसके अलावे याद रखिएगा जापान से 8 गुना बड़ा है भारत। इसके अलावे यूनाइटेड किंगडम से 12 गुना बड़ा है। यूके जहां तक बात करें, जो आप पे राज किया था, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम इससे 12 गुना, ठीक है, 12 गुना बड़ा है। तो यहां से कुछ कुछ सवाल यदि रहेगा तो उसको हल कीजिएगा। तो 6 देश जो है ये भी आपको बता दिए, अक्षांश के दृष्टिकोण से क्या है ये आपको बताए, ठीक है, अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, और पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांश और देशांतर क्या है ये भी आपको हम बता दिए। इसके अलावे कुछ और सवाल रहता है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिख लीजिएगा कि कर्क रेखा यानी इसको क्या कह सकते हैं, 23.5 degree अक्षांश रेखा, 23.5 degree उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ जरूर करिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, 23.5 degree अक्षांश रेखा, कर्क रेखा को ये बोल सकते हैं। तो कभी आपको फंसाने के लिए कर्क रेखा ना दे करके ये देगा तो याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्यवर्ती भाग से गुजरती है, मध्यवर्ती भाग से गुजरती है, ठीक है। तो कौन सी रेखा, सवाल पूछा जा सकता है,
भारत के मध्यवर्ती भाग से गुजरती है। ऑप्शन देखिए आपको दिखा, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं कि कौन सी अक्षांश रेखा, कौन सी अक्षांश रेखा, देखिए सवाल बना रहे हैं ठीक है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है, गुजरती है। पहला ऑप्शन ए मकर रेखा, मकर रेखा यानी क्या हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ, ये रहा। दूसरा बी ऑप्शन बनाते हैं अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक 66.5 डिग्री साउथ, ये। इसके अलावा सी ऑप्शन कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और डी ऑप्शन आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, ये क्या हो जाएगा 26.5 डिग्री नॉर्थ। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, अब बताइएगा आंसर कौन सा होगा, आंसर आंसर दीजिएगा, आंसर ये वाला सही होगा, कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। देखिए आंसर आपका सी हो जाएगा, आंसर इसका सी होगा, कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसके अलावा सवाल रहेगा कि कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है, कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है, कितने राज्य से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए 5 राज्य, ऑप्शन बी 8 राज्य, ऑप्शन सी 12 राज्य, ऑप्शन डी 6 राज्य। बताइए यहां पे आंसर क्या होगा, तो यहां पे आंसर आपका हो जाएगा बी, आंसर इसका होगा बी। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये याद रखिएगा, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, ये है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे हम लोग बढ़े, इसके अलावा कौन कौन राज्य से गुजरती है, तो ये देखते हैं हम लोग, तो लिख लीजिए कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है, पहला मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा, तीसरा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान चौथा, राजस्थान, पांचवा गुजरात, गुजरात, छठा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, सातवा छत्तीसगढ़, और आठवा आपका झारखंड, ठीक है मोर झारखंड। तो याद रखिएगा कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मिजोरम त्रिपुरा पश्चिम बंगाल राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड, यही 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा शहर के नजदीक से होकर गुजरती है, ठीक है कौन से शहर से होकर गुजरती है, तो ये जो अलग अलग शहर है वो याद रखिएगा,
शहर की बात करें तो ऑप्शन में हो सकता है रांची होगा। शहर की यदि बात करें तो ऑप्शन में यदि रांची होगा तो आपको पता है ना कि कांके से होकर गुजर रही है, कर्क रेखा जो है कांके से होकर गुजर रही है। आप झारखंड के यदि निवासी हैं तो आपको पता होगा, या रांची के होंगे तो और आपको पता होगा, कभी गए भी होंगे देखने के लिए, ठीक है। वहां पे लिखा हुआ मुस्कुराइए, आप कर्क रेखा से होकर गुजर रहे हैं, ठीक है। तो कांके से होकर गुजर रही है रांची से। इसके अलावा और बात करें तो डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, राजस्थान का डूंगरपुर, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन कौन से शहर, तो निकटवर्ती शहर दो तीन नाम हम बता देते हैं, कभी ये भी याद रखिएगा, निकटवर्ती शहर, निकटवर्ती शहर, ठीक है। निकटवर्ती शहर से भी सवाल रहता है, जहां जहां से गुजर रहा है मानचित्र में देख करके आप लोग देखिएगा, दो तीन शहर का नाम हम आपको बताते हैं। झारखंड में रांची, याद रखिएगा झारखंड की राजधानी रांची, रांची में भी कहां कांके, कांके याद रखिएगा रांची। दूसरा है आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा याद रखिएगा। ये दोनों कहां पे है, ये दोनों राजस्थान में, ये दोनों राजस्थान में है। और इसके अलावा रांची कहां है, तो झारखंड में है। और सभी का भी खोजिएगा, ठीक है। ये आप लोग को टास्क समझिए। तो झारखंड के रांची शहर से होकर गुजर रहा है, तो निकटवर्ती शहर कभी कभार पूछा जाता है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां से भी आपका सवाल रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो सवाल रहता है, मानक समय से सवाल रहता है, ठीक है। मानक समय से सवाल रहेगा, मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय, मानक समय। अब देखिए थोड़ा सा मानक समय जब हम बताते हैं यहां पे समझिएगा, मानक समय दो प्रकार के समय की बात की जाती है, ठीक है। एक होता है लोकल टाइम, लोकल टाइम, स्थानीय समय, स्थानीय समय, स्थानीय समय का मतलब होता है सूर्योदय होने वाला समय, याद रखिएगा, ठीक है। स्थानीय समय का मतलब वही है, नेचुरली सूर्य हमेशा देखे सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्थानीय समय और आपका मानक समय होता है। प्रत्येक स्थान का स्थानीय समय अलग अलग है। कैसे अलग है, या तो आप देशांतर से समय की गणना कर सकते हैं। देखिए देशांतर से समय की गणना किस प्रकार से होती है, इसको हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी क्या है, घूमती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, और दूसरा जो है आपका अपने अक्ष पे घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है। तो परिक्रमा के कारण तो ऋतु चेंज होता है, ऋतु परिवर्तन, ठीक है, रिवोल्यूशन के कारण, रिवोल्यूशन बोलते हैं। और ये है आपका रोटेशन, जैसे पंखा घूमता है, रोटेशन, रोटेशन के कारण दिन रात होता है, दिन रात। पूरा सर्कल का मान कितना होता है, और पृथ्वी घूमती किधर से किधर, रोटेशन का दिशा क्या है, तो दिशा है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, ये याद रखिएगा। अब मान लिया जाए ये ईस्ट और ये वेस्ट,
और इधर से सूर्य का प्रकाश आएगा। देखिए आधा भाग में पड़ेगा और आधा भाग में नहीं पड़ेगा। जिधर पड़ेगा उधर सूर्योदय होगा यानी दिन होगा, और जिधर नहीं पड़ेगा उधर रात होगा। अब पृथ्वी घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, अब वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है इसका मतलब ये वेस्ट वाला पीछे जाएगा और ईस्ट वाला इधर आएगा। तो यानी ये जब वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी तो ईस्ट वाला जो पार्ट है ये इधर चला आएगा, तो ईस्ट में सूर्योदय पहले होगा ना। ईस्ट का चूंकि वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो ये इस प्रकार से घूमेगी तो ईस्ट वाला पोर्शन यहां आएगा पहले। तो चूंकि पूरब में दिन की शुरुआत पहले होती है, पूरब में दिन की शुरुआत पहले, इसीलिए जापान जो है पूरब में है। जापान पूरब में है तो जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं, उगते सूर्य का देश। तो आपसे सवाल रहेगा उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं, ठीक है। उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। अब देखें टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए पृथ्वी अपने एक्सिस पे 24 घंटा में घूमती है, रोटेशन का पीरियड कितना है? 24 घंटा। अब पूरा सर्कल का मान होता है 360 डिग्री। अब याद रखिएगा कि पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूम लेती है। तो एक घंटा में कितना घूमेगी इसको डिवाइड करिएगा, 15 डिग्री आएगा, ठीक है 15 डिग्री। अब इसको एक घंटा को बोल सकते हैं कि 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है, 60 मिनट में 15 डिग्री। तो एक डिग्री कितना मिनट में? 15 चौके 60 होगा 4 मिनट में। यानी आप कोई किसी भी देशांतर पर हैं, आप जहां भी हैं, आपका घर जहां पे भी है, वहां से यदि आप 4 डिग्री देशांतर क्रॉस करते हैं तो 1 मिनट का अंतर होगा, इतना याद रखिएगा। यदि आप 1 डिग्री देशांतर आप क्रॉस करते हैं अपने स्थान से तो 4 मिनट का अंतर आएगा। यदि 15 डिग्री करेंगे तो 15 चौके 60 होगा, 1 घंटे का अंतर आएगा, ठीक है। अब भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करें, भारत का देशांतरीय विस्तार तो भारत का देशांतरीय विस्तार है लगभग 30 डिग्री। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है आपको बताए थे कितना? 30 डिग्री है, 30 डिग्री का अंतर था लगभग। अब 30 डिग्री देखिए, 15 डिग्री जाने में 1 घंटा, तो 30 डिग्री जाने में 2 घंटा। तो भारत का जो ईस्ट वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट, भारत में वेस्ट से ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब के बीच का जो अंतर आएगा वो 2 घंटे का आएगा। तो भारत के पूरब भाग में स्थित जो अरुणाचल प्रदेश है वहां से आपका गुजरात तक का जो क्षेत्र है उसके बीच का समय का अंतर 2 घंटे का है, ठीक है। अब बताइए कि अलग अलग लोग अलग अलग समय पे उठेंगे, उनको काम करना है तो बहुत सारा अव्यवस्था हो जाएगा। जैसे हम यहां पे काम कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम 2 घंटा पहले मान लिया कि उठ के आ गए, तो 1 घंटा को तो आपको क्लास रहता है और आप सोए हुए हैं, तो हम क्लास कर रहे हैं आप सो रहे हैं, तो बहुत सारा अव्यवस्था हो जाता। इसके चलते विभिन्न देशों के द्वारा जो बीच से होकर देशांतर गुजर रहा है उसको मानक समय के रूप में माना है, यानी मान लिया गया है। यानी भारत सरकार के द्वारा भी देखिए ऑफिस का टाइम रखा गया है कि कब उठिए नहीं पता। अरुणाचल प्रदेश के लोग 2 घंटा पहले उठे, मुंबई के लोग 2 घंटा बाद उठे, कोई मतलब नहीं है, 10 बजे सब लोग ऑफिस आइएगा। तो जब व्यवस्था होगा तो उधर का भी लोग फोन करेगा तो इधर का भी लोग उठाएगा। ऐसे मान लिया कि अरुणाचल प्रदेश वाला 2 घंटा पहले जग गया, जब तक 6 बजे अरुणाचल प्रदेश में,
चार बज रहा है मुंबई में या गुजरात में 4 बज रहा है, वहां का लोग को कुछ दिक्कत हुआ, गुजरात वाला ये अरुणाचल प्रदेश वाला को, गुजरात वाला तो सो रहा होता है, उठा पाएगा फोन लगाएगा तो? नहीं उठाएगा। तो इसीलिए क्या है, एक समय तय किया गया है जो विभिन्न देशों के द्वारा अपने देशांतर से लगभग बीच से होकर जो देशांतर गुजरती है उसको तय किया गया है समय के रूप में, उसे मानक समय कहते हैं। और याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश से आप समय को निकाल सकते हैं, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से समय आप निकाल सकते हैं। जैसे समझिएगा, किसी भी देशांतर पर यदि सूर्य की किरणें वर्टिकल होगी, सीधी होगी, इसका मतलब होता है कि 12 बजता है, ठीक है। और सभी के द्वारा जो प्राइम मेरिडियन हम आपको बताए, प्रधान मध्यान रेखा, सबके द्वारा जो 1884 ईस्वी में देशांतर का जो निर्धारण हो रहा था, उसी समय यह तय कर लिया गया कि जो प्राइम मेरिडियन है, प्रधान मध्यान रेखा है, जो ग्रीनविच लंदन से होकर गुजर रही है, वहां पे वर्टिकल पड़ता है, तो वहां पे 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मतलब क्या है, वहां पे नून होगा, यानी 12 बजता है। इसीलिए आप लोग पीएम और एएम का कॉन्सेप्ट, प्राइम मेरिडियन 12 का मतलब कुछ नहीं होता है, 12 से 1 मिनट आगे होगा तो ठीक है प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, पीएम लिखते हैं, और 12 से 1 मिनट पहले रहेगा तो एएम हम लोग लिखते हैं, आफ्टर मेरिडियन प्राइम मेरिडियन। याद रखिएगा, एएम पीएम का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं। तो अब प्राइम मेरिडियन से या लंदन से किधर है, आगे है या पीछे है, ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि आप पूरब की ओर हैं या पश्चिम की ओर हैं, ठीक है। तो चलिए, मानक समय हम बता रहे थे, लोकल टाइम भी आपको बता दिए, और किस प्रकार से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी हम आपको बताए। तो मानक समय के बारे में यदि बात करें तो लगभग जो बीचों बीच से होकर गुजरता है उसी को मानक समय के रूप में रखा गया है। तो अब भारत का मानक समय का निर्धारण, बीचों बीच से होकर गुजर रही है तो कितना भारत का जो मानक समय, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर को माना गया है, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर को लिया गया। क्यों 82 को ही लिया गया है, ऐसा नहीं है कि अच्छा लगा तो 82 मान लिए, अरे 85 भी रखा जा सकता था, 90 भी रखा जा सकता था, 100 भी रखा जा सकता था, फिर 82 ही क्यों? तो याद रखिएगा, आपको देशांतरीय विस्तार याद रखना है, कितना है 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री, दोनों को जोड़िए, 9, 8, 17, 9, 6, 15 और 1, 16, आठ सात पंद्रह, पंद्रह होगा ना, हाँ, आठ सात पंद्रह और 9, 6, 15, 8, 7, 15 के 5 बाकी 1 और 9, 6, 15 116, 165 होता है। अब 165 को 2 से डिवाइड करेंगे, 165 को आधा भाग करेंगे ना, तो कितना आएगा, 82.5 ही आएगा, 82.5 आएगा। तो भारत सरकार ऐसे नहीं 82.5 मान लिया, और 100 भी मान सकता था। तो याद रखेगा, आपको बताया कि जो लगभग बीच से होकर गुजरती है उसी को माना गया है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से 97 डिग्री ईस्ट है, दोनों को जोड़िएगा और 2 से डिवाइड करिएगा, ये आपका आएगा 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री को मान लिया है मानक समय, ठीक है। अब आपसे कभी कभी सवाल पूछा जाएगा कि यह जो जीएमटी है, 0 डिग्री, हम आपको बताएं जीएमटी 0 डिग्री जीएमटी से कितना आगे है, या तो आगे है या पीछे है। आपको बताएं कि पृथ्वी वेस्ट ईस्ट घूम रहे, तो ईस्ट वाला पोर्शन में दिन पहले होगा, यानी भारत में आगे होगा, भारत आगे होगा, ठीक है। तो ईस्ट है, चूंकि ईस्ट है, आपको बताएं ईस्ट है, तो भारत का समय आगे होगा, ये याद रखिएगा,
भारत का समय क्या होगा? आगे होगा। भारत का समय आगे होगा। अब कितना आगे होगा यह डिसाइड करता है कि कौन सा देशांतर है। तो देशांतर हम लोग को पता है 82.5 है। तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको हम ये वाला फॉर्मूला बता दिए हैं कि 360 डिग्री 24 घंटा में, तो एक घंटा में कितना 15 डिग्री, 60 मिनट में यदि 15 डिग्री, तो एक डिग्री कितने मिनट में, 4 मिनट में। तो जितना डिग्री है उतना 4 से गुना कर सकते हैं, जितना डिग्री है उतना 4 से गुना करिएगा तो आपको मिनट में मिलेगा, उसके बाद आप घंटा में करिएगा। हमको आसान होता है, आप 15 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि एक एक घंटे का अंतर आ रहा है, 15 से डिवाइड कर दीजिएगा आपको आ जाएगा। हम आपको बताते हैं 82.5 है तो 15 × 5 = 75 होता है, 5 तो मिल गया हमको और 75 चला गया, बाकी बचा 7.5। ठीक है, बाकी बचा 7.5, तो 5 घंटा हमको मिल गया, बाकी बचा 7.5, तो 15 डिग्री जाने में एक घंटा, 7.5 डिग्री जाने में आधा घंटा, तो 5 घंटा 30 मिनट। भारत का समय क्या है? आगे है। तो भारत का समय कितना आगे है? 5.5 घंटा। कहां से? लंदन से, GMT से 5.5 घंटा आगे है। इसके अलावे कुछ और सवाल पूछा जाता है, ठीक है, क्या सवाल पूछा जाता है वो देखिएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय मानक समय कितने राज्य से होकर गुजरेगा, कितने राज्य से गुजरता है। तो कितने राज्य से गुजरता है? तो 5 राज्य से गुजरता है, याद रखिएगा ये भी सवाल, कितने राज्य से गुजरेगा? 5 राज्य से गुजरेगा। इसके अलावे आगे बात करें कि कौन कौन राज्य से होकर गुजरेगा, ठीक है, तो कौन कौन राज्य से? 5 राज्य में याद रखिएगा, यूपी से गुजरेगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, यह 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर को मानक समय के रूप में भारत के द्वारा तय किया गया, भारतीय गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारत की सरकार के द्वारा तय किया गया है। 5 राज्यों से कौन कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। तो आशा करते हैं कि जो भी बताएं आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को।